भारतीय फुटबॉल टीम ने बीती रात वो कर दिया जो अब तक अर्जेंटीना और ब्राजील जैसी बड़ी टीम ही कर पाई थी। तो क्या है, तो ऐसा क्या इतिहास रचा भारतीय फुटबॉल टीम ने, उसके लिए आपको यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हर्षित और आप देख रहे हैं dalooknithi.com। भारत विरुद्ध कतर वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भारतीय फुटबॉल टीम ने किया कमाल, कतर से ड्रॉ खेलकर रचा इतिहास। जी हाँ, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के क्वालिफायर खेले जा रहे हैं। अर्जेंटीना, ब्राजील और कोलंबिया के बाद अब भारतीय फुटबॉल टीम ही ऐसी चौथी टीम है जिसके खिलाफ कतर टीम 2019 में एक भी गोल नहीं कर पाई। फीफा विश्व कप 2022 के लिए खेला गया क्वालिफायर मुकाबला बेनतीजा रहा, दोनों ही टीमें गोल करने में नाकाम रहीं। 103वीं रैंक वाली भारतीय फुटबॉल टीम ने 62वीं रैंक की टीम एशियन और एशियन चैंपियन कतर के बीच ड्रॉ खेलकर अपना नाम खास क्लब में शामिल कर लिया। खास बात यह रही कि इस मुकाबले में कप्तान सुनील छेत्री भी नहीं खेल रहे थे, वो इस मुकाबले से पहले बीमार थे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन किया वो शानदार है। अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया के बाद अब भारतीय फुटबॉल टीम ही ऐसी चौथी टीम है जिसके खिलाफ कतर टीम 2019 में एक भी गोल नहीं कर सकी। दोहा के जासिम बिन अहमद स्टेडियम में खेले गए इस मैच की शुरुआत में कतर का पलड़ा भारी नजर आ रहा था, लेकिन भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और कतर की हर कोशिशों को नाकाम किया। पहले हाफ में भारत ने उम्मीद की थी कि वह डीप खेलेगी और डिफेंड करते हुए खेलेगी। घरेलू टीम को पहले हाफ में कम से कम आधा दर्जन शॉट और 7 कॉर्नर मिले थे, जबकि भारत के पास कोई भी ऐसा मौका नहीं बन पाया था। गोलकीपर संधू ने पूरे मैच में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। कतर के कप्तान हसन अल हैडोस ने मैच की शुरुआत में 2 शॉट दागे, लेकिन संधू ने बढ़िया सेव किया जिसमें वे 20वें मिनट में एक शानदार फिंगर टिप से सेव करते भी नजर आए। दूसरे हाफ में भारत ने थोड़ी फुर्ती दिखाई और पहले हाफ की तुलना में विपक्षी गोल खेमे में अधिक समय रहे, लेकिन फिर भी स्पष्ट गोल शॉट नहीं हो सके। सहल समद मिडफील्ड में शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखे, उन्होंने कई मौके पर अपने प्रतिद्वंदियों से बेहतर प्रदर्शन किया। अंतिम समय तक दोनों ही टीमें 0-0 के स्कोर पर रहीं। टीम के इस प्रदर्शन से खुश कप्तान सुनील छेत्री ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि प्रिय भारत, ये है मेरी टीम और मेरे खिलाड़ी, मैं इस समय कितना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ यह नहीं बता सकता। हमने पॉइंट्स टेबल पर कुछ अच्छा प्रदर्शन भले ही नहीं किया हो, लेकिन खेल में हमने अच्छी टक्कर दी। कोचिंग स्टाफ और ड्रेसिंग रूम का बहुत बड़ा श्रेय है, टीम के शानदार प्रदर्शन की खेल जगत में जमकर प्रशंसा हो रही है। आपको बता दें कि भारतीय टीम को फीफा विश्व कप 2022 क्वालिफायर के अपने पहले मैच में गुरुवार को ओमान के हाथों अपने घर में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था। दोनों टीमों के बीच पिछला आधिकारिक मैच 2007 में विश्व कप क्वालिफायर में खेला गया था, जिसमें कतर ने भारत को 6-0 से रौंदा था। भारत ने 2011 में दोहा में एक मैत्री मैच में कतर को 2-1 से हराया जरूर था, लेकिन इस मैच को आधिकारिक मैच नहीं कहा गया था क्योंकि भारत ने नियमों से अधिक स्थान पर खिलाड़ियों को इस्तेमाल किया था। इस मैच के बाद फुटबॉल खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है क्योंकि अब विश्व कप 2022 क्वालिफायर के लिए भारत की उम्मीदें बढ़ गई हैं और भारत को अब अगला मुकाबला बांग्लादेश से होगा जो कि 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए और इसे आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप Facebook पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। इस तरह की खबरों को और नए अंदाज में जानने के लिए, देखने के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।